चलो हेडिंग डाल दीजिए सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके सारे पॉइंट्स हम देखते जाते हैं। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, देखिए डेफिनेशंस आपने शुरू से पढ़ रहे हो मेरे से तो आपको आइडिया है। द रिएक्शन इन विच समेशन ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशंस इन रेट लो एक्सप्रेशन इज टू कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। वेरी गुड, तो लिख लो आप डेफिनेशंस। कुछ रेट एक्सप्रेशंस में दे रहा हूं और ऑर्डर आपको बताना है। आर इक्वल टू के ए की पावर टू, बताओ कौन सा ऑर्डर है? टू। आर इक्वल टू के ए की पावर वन और बी की पावर वन, सेकेंड ऑर्डर। आर इक्वल टू के ए की पावर थ्री बाई टू और बी की पावर वन बाई टू, तो कुल मिला के बहुत इजी है। आर इक्वल टू के ए की पावर जीरो और बी की पावर टू, तो भी सेकेंड ऑर्डर है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। या उल्टा दे दिया जाए, आर इक्वल टू के ए की पावर वन बाई टू और बी की पावर थ्री बाई टू, तो कुल मिला के मेरा टारगेट ये है। हमारे सिलेबस में सिर्फ ये है, कौन सा वाला? सिर्फ ऊपर वाला एक्सप्रेशन, लेकिन मैं ये वाला भी करा दूंगा आपको, बाकी आप पे छोड़ दूंगा, और आप कहोगे तो वो भी करा दूंगा। कंसेप्ट तो एक ही लगेगा। शुरू करें, चलो करो। हो ये रहा है, हमें इंटीग्रेटेड रेट लो एक्सप्रेशन करना है। इंटीग्रेटेड रेट लो एक्सप्रेशंस, इंटीग्रेटेड रेट लो एक्सप्रेशन किस तरह से वर्क करता है देखो इधर सामने। शुरू करें, मैं बात कर रहा हूं इंटीग्रेटेड रेट लो एक्सप्रेशंस में। कोई भी रिएक्शन है ए बी में चेंज हो रही है और मैंने लिख दिया माइनस डी ए बाई डी टी, मुझे कौन रोकेगा? यही लिखूंगा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? के ए स्क्वायर। बोलो सही है ना? पकड़ लिया। अब दूसरा, भाई को भाई के साथ मिला दो और के डी टी, के कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करो और वो भी डेफिनेट, जीरो ए नोट ए टी ए नोट टी। बोलो यस। वन बाई ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस वन बाई ए, तो माइनस माइनस क्या हो गया? वन, और वन बाई ए टी माइनस वन बाई ए नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा? के टी। तो वन बाई मतलब के की वैल्यू क्या है या टी की वैल्यू क्या है? अगर आपसे टी पूछा जाए तो वन बाई के वन अपॉन ए टी माइनस वन अपॉन ए नोट। अगला पॉइंट मेरे लिए आ जाता है हाफ लाइफ क्या है। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है पहले समझ लो, फिर एक साथ उतार लेना। टी इक्वल टू टी हाफ और ए टी की वैल्यू क्या हो जाती है? ए नोट बाय टू। ये दोनों ही वैल्यू यहां रख दिया आपने, तो टी इक्वल टू वन बाई के वन अपॉन ए नोट और बाय टू, यानी टू पर चला गया ए नोट, तो फाइनली टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन अपॉन के ए नोट। वाओ, नाउ आई एम इंटेलिजेंट, इज दैट क्लियर? बोलो यस और नो, क्लियर है? तो ये तो हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। अब इन रिजल्ट्स को भुनाना है हमें, तो पहले तो ये लिखो आप। ठीक है, हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का करा, फिर उसके बाद सेकंड ऑर्डर काइनेटिक का करा, हाफ लाइफ सबके ज्यादा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम बात करेंगे। कर्व,
इम्पोर्टेंट कर्व, चलिए आप मेरी मदद करिए इम्पोर्टेंट कर्व में। सबसे पहले टी हाफ वर्सेस ए टी के बीच में, सॉरी ए नोट के बीच में, ए टी के बीच में कभी नहीं बनाते ए नोट। क्या लग रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हाइपरबोला। दूसरा कर्व वन अपॉन ए टी वर्सेस टी के बीच में कर्व कैसा होगा, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी प्लस सी, वाई इक्वल टू, देखो यहां पर एम एक्स माइनस सी है, देखो ध्यान से, तो एम एक्स माइनस सी तो स्लोप पॉजिटिव है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है ऐसा जाएगा, पक्का? और जब स्लोप पॉजिटिव होता है तो मैं थीटा इधर से लेता हूं और टेन थीटा की वैल्यू क्या लिखूंगा यहां पर, या सुनो कोई दिक्कत आ रही है क्या, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी है, प्लस सी होता ऊपर से ले लेते। गड़बड़ कहाँ हो रही है, गड़बड़ हो रही है, वाई वन अपॉन टी है, तो ये कर्व हो जाएगा वाई को, ये है वाई, ये उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लगाओ मैथ, सारे सारों की सारी मैथ्स खराब है सबकी, इतनी देर से बोल रहा हूं कि देखो कहां गलती हो रही है, नहीं समझ में आ रहा। साहिल क्या आ रहा है तेरे को, बोला नहीं जा रहा सर यहां कब, देखो वो वाई है यहां, वाई यहां है, तो ये उधर जाएगा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये के उधर जाएगा, तो इसका जो स्लोप बनेगा ना थीटा, ये बनेगा क्या टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा के, स्लोप भी पॉजिटिव जाएगा, मैं मान रहा हूँ स्लोप पॉजिटिव जाएगा, कुछ समझ में आई बात, तो ये है इसका कर्व। अभी भी सोच रहा है, देख वन अपॉन एटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन अपॉन ए नॉट प्लस के टी, यानी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, नहीं आया समझ में? राजन आ गया, ठीक है, एक्सप्रेशन तो नहीं आने के दे रहा है, आगे अगर ये थर्ड ऑर्डर होता तो क्या होता, तो हमें कुछ ज्यादा खास नहीं करना है, मैं इसी में चेंज कर दूं या अलग से लिखूं? चलो ठीक है, यहां तक लिख लिया आपने, साफ कर दूं, ये साफ क्या लिखूंगा, तुम तो जानते हो मैं आलसी हूं, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स डेफिनेशन नहीं लिख रहा, सिर्फ थ्री लिख रहा हूं, और मुझे मालूम है कि इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ वन बाई टू आएगा, ये स्क्वायर जाएंगे, वाह यार मैं तो इंटेलिजेंट हो गया। और यहाँ पर हाफ लाइफ ये फोर जाएगा, टू के तो यहाँ पर है ही, ये थ्री बनेगा, ये टू के ए नोट होगा, और बाकी तो आप कर ही लोगे। ये तो सारा ही बन गया, और क्योंकि यहाँ हाफ लाइफ वन अपॉन ए नोट स्क्वायर जाएगा, यहाँ तो ऐसा ही बनेगा, यहाँ स्क्वायर के बीच में कर्व बनेगा, यहाँ टी आर, तो बाकी सब कुछ वही है, टेन थीटा की वैल्यू चेंज रहेगी, यहाँ पर कितना होगा ये टू के ऊपर जाएगा, टू के रहेगी, ये हो गया थर्ड लॉ के लिए। आप एक बार मैथ्स चेक करो, मैंने सही लगाई है ना, सब मैथ्स वाले हैं पक्का ना, उतार लो।
तो आपने डेफिनेशन लिखी ली होगी थर्ड ऑर्डर की भी। अब nth ऑर्डर के लिए आप क्या करोगे, nth ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शंस, n ऑर्डर, तो डेफिनेशन यही है, उसमें कुछ भी नहीं। यहां पर क्या आएगा, पावर n, यहां पर n, यहां पर n माइनस वन, यहां पर n माइनस वन, n माइनस वन, n माइनस वन, n माइनस वन, आपको तो पूरा लिखना है n माइनस वन। हाफ लाइफ यहां कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर दिक्कत हो जाएगी, यहां क्या हो जाएगा, टू की पावर n, और यहां n माइनस वन के, तो ये कितना बनेगा, टू की पावर n माइनस नीचे वन, और यहां आएगा आपके पास n माइनस वन, हो गया हाफ लाइफ। ये आपके लिए कहलाएगी हाफ लाइफ। ये फॉर्मूला तभी वैलिड नहीं होगा जब n की वैल्यू वन हो, बस बाकी सब जगह वैलिड हो जाएगा हाफ लाइफ। खत्म। तो आपको यहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कुछ दिक्कत आ रही हो तो बताओ। नहीं, यहां क्या रहेगा nth ऑर्डर के लिए, ए नॉट एन माइनस वन, और यहां आएगा एन माइनस वन के, पूरा बना दिया मैंने आपके लिए। इज दैट क्लियर? चलो बढ़िया। अब कुछ अच्छे पॉइंट्स।